हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, जो कि आप लोग तक मुझे पहुँचाना है। और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप लोगों से, जो आप लोग मेरी वीडियो के स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। दिल से बोल रही हूँ, पूरी वीडियो को देखिएगा तो ही मज़ा आएगा। तो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं सुबह के, तो प्यार भरा मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। और हम कल रात को कुछ वीडियो वगैरह शूट किए थे, जो कि हम रात हो गई तो डाल नहीं पाए थे, तो इसलिए हमने सुबह होके ये शुरुआत कर दिए हैं, जो कि उस वीडियो में बहुत कुछ खास है जो कि आप लोगों को देखना है। और एक बार आप थोड़ा देखिए, कुछ स्कूल वगैरह का सीन है जो कि हम जाते हैं बच्चों को लेने। वहाँ पे कुछ ऐसे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होती रहती है बहुत ज़्यादा ही। कई बच्चे तो जान से ही वहाँ पे चले गए, इतनी ज़्यादा लड़ाई वगैरह बच्चे बच्चे में करते हैं। एक बच्चा तो बहुत हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा, वो बहुत ऐसे बातें बहुत ज़्यादा है। तो एक बार हमारे वीडियो को एक बार देखिए आप लोग पूरा। रात हो गई इतने टाइम में, गर्मी के टाइम में तो निकलते हैं, सूरज भगवान निकल रहे थे ना। हाँ हाँ, आ गया आ गया, हनी भी आएगा। आजा आजा, इस पे खड़ा हो जा, इस पे खड़ा होना। हनी कहाँ है? हनी आने दे, फिर चलेंगे एक साथ में लेके। देखो जो भीड़ देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में भीड़ होती है वहाँ पे। और थोड़े बहुत बच्चे नहीं है वहाँ पे, बहुत ज्यादा बच्चे, लगभग 9000 के करीब उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 9000। और करीब 2 घंटे लग जाते हैं रोड को खाली होने में, वहां से लेके और पूरा मेन रोड तक। तो और भी देखिए आप लोग आगे आगे, मतलब कि क्या है नहीं है उसका बाद में मैं सारा रीजन आपको बताती हूँ, पर देखते रहिए आप लोग वीडियो को। ऐसे माहौल है स्कूल वगैरह के, गवर्नमेंट स्कूल है। अरे इतनी भीड़ हो जाती है, देखना। ऊपर से चल लेना, ऊपर चढ़ लेना बेटा, ऊपर चल ले। इतने भीड़ में कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाओ ऊपर। रोज लड़ाई, बहुत लंबी भीड़ लगती है, बहुत ज्यादा लंबी भीड़ देखियो। चल चल चल, चलो आजा। आंटी तो गई लेके उसको, अन्नी को। सक्षम त्याग दिया भाई साहब, इससे पूरे स्कूल में कोई उल्टा नहीं बोलता। और मेरा खान है, अब जाके थोड़ी सी भीड़ कम हो रही है।
बहुत लंबी भीड़ होती है वहाँ भी, ये डेढ़ घंटा से पहले खाली नहीं होता रोड। तुम 10 रुपए का नहीं लाई? नहीं यार, आप तो 5-10 रुपए लाई नहीं, मैं भूल के निकल गई जल्दी में। कोई देख थोड़ा रहा है आपको पता लगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखी वहाँ के पोजीशन, वहाँ के भीड़ कैसे है नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसे होते हैं जो कि माँ बाप को पढ़ाने पड़ते वहाँ पे। चाहे अभी फिलहाल में हमारे बच्चे भी वहीं पे साल भर से जा रहे हैं लगभग, तो हम एक अच्छी उम्मीद भी भेजते हैं ताकि वहाँ जाके बच्चे पढ़ाई करें, अच्छे खासे माहौल वहाँ बन जाए। लेकिन नहीं ऐसा होता है, बच्चे वहाँ पे जाते हैं लड़ाइयाँ झगड़ा करते हैं, माँ बाप तो यहाँ इंतजार करते रहते हैं तो जो हमारे बच्चे गए हैं अच्छा, लेकिन नहीं वहाँ जाके नशे करना, बीड़ी गुटके वगैरह खाना, ये सब क्या है, माँ बाप को भरोसा तोड़ने वाली बात हो जाती है ये। लेकिन बच्चे ऐसे करते कहाँ है, सब कुछ भूल जाते हैं वहाँ के जाके। तो असल में है थोड़ी सी माहौल के ऊपर भी डिपेंड होता है बच्चे को, जैसे वहाँ जाते हैं तो जैसे बच्चा है तो लोग चाह के भी पढ़ाई लिखाई वहाँ पर कर नहीं पाते हैं, वो ऐसा माहौल बन जाता है। हमारा बेटा खुद बोलता है जो मम्मी मैं चाह के भी वहाँ पे नहीं पढ़ पाता हूँ बिल्कुल भी, क्यों वहाँ पे ऐसे है जैसे कि बच्चे इतने शोर शराबा करते पढ़ते पढ़ने ही नहीं देते वहाँ पे ज़्यादातर तो स्कूलों में। तो भीड़ तो काफ़ी ही है, वो तो देख ही ली है आप लोगों ने, और रोज़ लड़ाइयाँ लोग। अभी भी कल की बात है, अभी कल ऐसे लड़ाई हुआ था, मतलब परसों लड़ाई हुआ तो उसका बदला बच्चों ने कल लिया, और कल इस तरीके से बदला लिया गया उस बच्चे से, इतना मारा गया उस बच्चे को, इतना मारा गया आपस में बच्चे टकरा के, मतलब लड़ाई किए। जो बच्चा आज हॉस्पिटल में कोमा में भर्ती है, वो बच्चा स्कूल के कोमा में, ऐसा मतलब कि एक दिन की बात नहीं है, वहाँ पे हर रोज लड़ाई होती है, किसी की जान जाती है, किसी की मतलब ऐसे बहुत हर रोज होता है, हर रोज लड़ाइयाँ होती है। और बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ के टीचरे वगैरह हैं वो भी डरते रहते हैं, क्योंकि टीचरों को पकड़ के बाहर बच्चे पीट देते हैं, लेके प्रिंसिपल भी कुछ नहीं करते हैं, बच्चे ऐसे मतलब बन गए हैं। वैसे प्राइवेट का ये हाल नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ही ज़्यादातर बच्चे का खौफ कुछ ज़्यादा ही चलता है। तो मैं उन बच्चों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ जी, प्लीज़ अपनी माँ बाप का इज्जत बचा के रखिए, कोई ऐसा नहीं करे आप लोग जो ये बच्चे ऐसे करते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं अपनी पहचान अच्छे बना के आइए, अच्छे छोड़ के आइए वहाँ पे, तो ऐसे नहीं करिए। आप लोगों की माँ आपके घर में इंतजार करती है, एक उम्मीद पे वो मम्मी पापा आपके रहते हैं जो बच्चा आगे चल के कुछ करे, आगे चल के कुछ करे बच्चा। तो अपनी माँ बाप की उम्मीद नहीं तोड़िए, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ उस बच्चे से, अपनी माँ बाप का उम्मीद कभी मत टूटने दीजिए, माँ बाप का हौसला बनिए, उनका आगे कुछ करके दिखाइए, और जितने भी बच्चे वगैरह चाहे टीचर उन लोग करके दिखाए, ताकि आप लोग के नाम वहाँ पर सब लिया जाए जो बच्चे ऐसे है अच्छे अच्छे बनिए आप लोग। मैं यही बार बार करती, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे कोई भी बच्चे हो, तो अच्छे बन के रहिए वहाँ पे। ऐसे में भेजने में बहुत ज़्यादा मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मैं वहाँ पे हर रोज़ लेने चली जाती हूँ, शाम को हर रोज़ लाती हूँ अपने बच्चों को जाकर। तो एक बड़ा वाला तो हमारा आ जाता है, छोटे वाला को मैं हर रोज़ लेके आती हूँ वहाँ पे, और बहुत डर लगता है उस भीड़ में, अगर हम हो या बच्चे कोई भी अगर फंस गए तो निकलना मुश्किल है वहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे बच्चे को कोई गिर भी गया तो उठाते नहीं वहाँ पे, कुछ चलते वो चलते चले जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब माहौल है, क्या बताएं, यही सब बस छोटी सी बातें आप लोग तक शेयर करनी थी, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को ज़्यादा पसंद आए, और हमारे वीडियो को फुल देखा करिए आप लोग, और हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो फटाफट से इसको शेयर वगैरह कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इससे भी अच्छा ब्लॉग लाने की कोशिश करूंगी, तब तक के लिए बाय।